अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुल रहमान है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने सामान में रखे। कितने MCQs होंगे और आपको कितने करने होंगे, इस तरह से आपके पास जो लॉन्ग सवाल आते हैं उसके अंदर आपके कितने नंबर होंगे, कितने आपने सवाल करने होंगे, इसी तरह से शॉर्ट जो सवाल आते हैं वो आपको कितने करने होंगे। तो दोस्तों ये जो पेपर है आपका 12th क्लास का जो स्कीम है ये आपके कराची बोर्ड की है। तो कराची बोर्ड के हिसाब से आपका जो केमिस्ट्री का जो पेपर है उसकी जो स्कीम होगी एग्जामिनेशन की, वो आपके पास सेक्शन ए होगा, जिसके अंदर आपके पास जो MCQs होंगे केमिस्ट्री के अंदर वो आपके 85 का टोटल पेपर होगा। 40% MCQs के हिसाब से आपके पास इसके अंदर 33 मार्क्स का होगा ये आपका सेक्शन ए, जिसके अंदर MCQs होंगे, और ये 33 इसके अंदर MCQs होंगे। उसके बाद इसके अंदर इन ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है उसमें से 17 MCQs होंगे, और ऑर्गेनिक के आपके जो हैं वो इन ऑर्गेनिक के 16 और ऑर्गेनिक के आपके 17 MCQs होंगे। ईच जो MCQs है 1 नंबर होगा, ठीक है दोस्तों, ये केमिस्ट्री का। उसके बाद सेक्शन बी होगा शॉर्ट आंसर्स का, वो आपके 40% होंगे, और 40% जो आपका बनता है आपके 85 का, तो उसमें से ये आपका जो शॉर्ट सेक्शन है केमिस्ट्री 12th का कराची बोर्ड का, इसमें जो है वो आपके 32 जो नंबर होंगे। और सबसे पहले आपके इनऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है 12th क्लास की कराची बोर्ड की, उसके अंदर आपके 7 जो है वो गिवन सवालात होंगे, और उसमें से आपको अटेम्प्ट जो है वो 4 करने होंगे, यानी 4-4 नंबर के होंगे, 16 इसके नंबर होंगे। आपके इनऑर्गेनिक जो शॉर्ट सवालात हैं वो टोटल 7 आएंगे, जिसमें से 4 आपको करने होंगे, और हर सवाल जो है वो 4 नंबर का होगा। इस तरह से इनऑर्गेनिक शॉर्ट सवालात आपके 16 मार्क्स के आपको करने होंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है शॉर्ट सवालात के अंदर, उसके भी 7 सवालात आएंगे, 4 नंबर का एक सवाल होगा, जिसमें से आपको 4 सवालात करने हैं, टोटल 16 नंबर आपने यहाँ से लेने हैं। उसके बाद सेक्शन सी होगा कराची बोर्ड का 12th क्लास की केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक सेक्शन के अंदर, आपके पास 2 सवालात होंगे, जिसमें से एक सवाल आपने करना होगा, और एक सवाल जो है वो आपके 2 सेक्शन ए बी का होगा, और जिसमें से आपको जो है वो 10 नंबर लेने होंगे। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी 2 सवालात होंगे, जिसमें से एक आपको करना होगा। इसी तरह से कराची बोर्ड का जो 12th क्लास का केमिस्ट्री का जो पेपर है, न्यू पैटर्न के मुताबिक 40% MCQs, 40% शॉर्ट सवालात, और 20% लॉन्ग सवालात, और सेक्शन ए 33 नंबर का होगा, सेक्शन बी 32 का होगा, इस तरह से सेक्शन सी जो है वो आपका 20 नंबर का होगा। टोटल जो है वो आपके केमिस्ट्री के 85 नंबर हो गए। उसके बाद मज़ीद चलते हैं आपके अगले पेपर की तरफ। यहाँ पर कराची बोर्ड का जो मैथमेटिक्स का 11th क्लास और 12th क्लास की जो स्कीम है कराची बोर्ड की, यहाँ पर मौजूद है, जिसके अंदर आपके कराची बोर्ड के अंदर 11th और 12th क्लास का जो पेपर है इसके अंदर आपके पास 40% MCQs होंगे। 100 नंबर का पेपर होगा 11th और 12th का कराची बोर्ड का, जिसमें से 40 MCQs होंगे, और हर MCQs का एक नंबर होगा, और आपको जो है वो अटेम्प्ट भी 40 करने होंगे। उसके बाद 11th और 12th कराची बोर्ड मैथमेटिक्स का पेपर, जिसके अंदर शॉर्ट सवालात आपके पास जो है वो 40% होंगे, और 40% बनते हैं 40 मार्क्स। तो शॉर्ट सवालात आपके बी सेक्शन 11th और 12th मैथमेटिक्स कराची बोर्ड का आपका 40 नंबर का होगा, जिसमें से आपको 15 सवालात दिए जाएंगे, और आपको अटेम्प्ट 10 करने होंगे, और ये हर सवाल के नंबर जो है वो आपके पास 4 नंबर होंगे। उसके बाद कराची बोर्ड 11th और 12th मैथमेटिक्स का जो पैटर्न है उसके मुताबिक सी सेक्शन आपका डिटेल सवालात का होगा, जिसमें से 20% आपका जो है वो ये सवाल होगा, और इसके अंदर आपके जो है वो 20 मार्क्स होंगे सेक्शन सी के। उसके बाद इसके अंदर 3 क्वेश्चंस दिए होंगे, 2 आपने करने होंगे, और 2 जो है वो आपके पास ये 10-10 नंबर के होंगे, यानी इसमें से 20 नंबर हमने हासिल करने होंगे। तो कराची बोर्ड का मैथमेटिक्स का 11th और 12th का पेपर का कुछ इस तरह से होगा, सेक्शन ए 40 नंबर का होगा, सेक्शन बी 40 का होगा, सेक्शन सी 20 का होगा, और ये आपके टोटल 100 नंबर हो जाएंगे। उसके बाद मज़ीद यहाँ पे चलते हैं हम यहाँ पर मज़ीद पेपर की तरफ। तो कराची बोर्ड का यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ़िज़िक्स का पेपर 1 और पेपर 2 कराची बोर्ड का। तो यहाँ पर आपके जो फ़िज़िक्स का पेपर है उसके अंदर आपका जो पहला सेक्शन होगा उसके अंदर पेपर पैटर्न के हिसाब से आपका MCQs का होगा, और MCQs आपके 40% होंगे, यानी 85 का आपका ये टोटल पेपर होगा। उसमें से 40% निकाली जाए तो आपके 33 नंबर का ये सेक्शन होगा, जिसके अंदर 33 आपके पास MCQs होंगे फिज़िक्स के फर्स्ट ईयर के अंदर और सेकंड ईयर के अंदर, और हर सवाल एक नंबर का होगा।
सेक्शन बी फिज़िक्स पार्ट वन और पार्ट टू कराची बोर्ड के शॉर्ट सवाल आपके पास 40% होंगे आउट ऑफ 85, तो आपके इसके अंदर आपके 32 मार्क्स का ये सेक्शन बी होगा कराची बोर्ड फिज़िक्स फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के अंदर। टोटल सवाल आपको 12 दिए जाएंगे और आपने 8 सवाल अटेम्प्ट करने होंगे कराची फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर फिज़िक्स के अंदर, और हर सवाल 4 नंबर का होगा, यानी 8 सवाल आपको जो है वो करने होंगे और 32 मार्क्स का ये सेक्शन बी होगा। उसके बाद कराची बोर्ड का फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का फिज़िक्स का सेक्शन सी डिटेल्स वाला होगा, ये 20% होगा आउट ऑफ 85, जिसके अंदर ये 20 नंबर का टोटल ये सेक्शन होगा, जिसके अंदर आपके पास 3 सवाल दिए होंगे और उसमें से आपने 2 सवाल करने होंगे, हर सवाल 10 नंबर का होगा, इसी तरह से 2 सवाल के 20 नंबर आपने उठाने होंगे, और ये कराची बोर्ड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर फिज़िक्स के अंदर इस तरह से पैटर्न होगा। तो कराची बोर्ड फिज़िक्स फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का जो टोटल अवर व्यू है, यहाँ पर सेक्शन ए 33 नंबर का होगा एमसीक्यूज का, सेक्शन बी जो है वो आपका शॉर्ट सवालात 32 का होगा, इसी तरह सेक्शन सी 20 मार्क्स का होगा, टोटल पेपर आपका 85 का होगा कराची बोर्ड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर